जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। हम हैं राहुल जवान और आप हैं किसान कार्यशाला में। हम हैं आज राठी जी के खेत में। इस खेत को लगाए हुए लगभग 7 दिन हो चुके हैं और मैं यहाँ पे आया था ट्रायल करने के लिए कि देख के आऊँ 7 दिन में इसकी क्या स्थिति है। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय हिंद, सुप्रभात। इसमें हमने अभी तक कुछ खास नहीं किया है 7 दिन में। एक ड्रिंचिंग दिया था बीच में जो हमने आप लोगों को सजेस्ट किया हुआ है। दूसरा एक चीज़ और है कि पश्चिम यूपी में बहुत ज़्यादा बारिश है, जो लोग इस समय पे पौधा लगा रहे हैं वो कृपया करके गोबर वाला ड्रिंचिंग अवॉइड कर दें, बाकी सब ठीक है। तो मैं ये दिखाना चाह रहा था कि जो अपना ये सीके जिनेन का पौधा यहाँ पर लगा हुआ है, ये इसने नया पत्ता देना स्टार्ट कर दिया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा दूँ आप लोगों को, पूरे खेत में दिखना शुरू हो चुका है। शायद कैमरे में उतना अच्छा नहीं आ रहा है बट आँखों से दिख रहा है, खुली आँखों से वैसे अगर मैं देख रहा हूँ तो ये मैच्योरिटी सिंबल इसने देना शुरू कर दिया है। और अभी इसको 7 डेज हुए हैं प्लांटेशन में और बहुत बढ़िया सुंदर। देखिए इसमें आप पूछेंगे बेड नहीं बनाए भैया, इसमें बेड इसलिए नहीं बनाए हैं दादा क्योंकि ये रेत का जंगल है प्योर। पश्चिम यूपी में भयंकर बारिश है लेकिन यहाँ पे देखो सूखा पड़ा है, रात को बारिश सुबह ख़त्म। हम इसमें क्या करेंगे, ये जो आपको दो खेत की नाली, ये जो मेरा हाथ दिख रहा है, इन दोनों पौधों के बीच में एक नाली बनाएंगे हम बाद में इसके वेंटिलेशन के लिए, एयर वेंटिलेशन के लिए। तो ये देखो मैं आपको गौर से दिखाऊँ। और हाँ, ये जो गड़बड़ है ये आप लोग ना करें, ये जितने भी प्लास्टिक के गिलास हैं इनको निकाल करके आपने खेत के बाहर फेंक देना है। अब इस स्थिति में जिन लोगों का पौधा है और उन लोगों का पौधा नहीं चल रहा है या नया पत्ता नहीं फेंक रहा है, आप लोगों ने क्या करना है, 200 लीटर पानी लेना है मित्रों। 200 लीटर पानी के अंदर आपने ब्लीचिंग पाउडर 1 से 1.5 किलो डालना है प्रति पौधा। पौधे के तने पे, मतलब मैं जब बोलता हूँ ना आप लोगों को पौधे पे तने, तो पौधे का तना कहाँ है इसका, इधर आ जा भाई, ये पौधे का तना है, यहाँ मेरी उंगली है। तो आपने यहाँ पर धार बनाना है, ऐसे डालना है, ऐसे नहीं डालना है, ऐसे यहाँ पे नीचे, तो ये आपके सराउंड में आ जाएगा इसके, ठीक है। उसके दो ये अगले दिन ब्लू कॉपर ले लीजिए आप, लगभग 300 ग्राम, 300 ग्राम ब्लू कॉपर लेने के बाद आपने उसका इसका एक ब्लू कॉपर के साथ में प्लांटोमाइसिन 50 ग्राम ले लीजिए या स्ट्रेप्टोसाइक्लिन ले लीजिए, उसको आप उसमें घोल के गुनगुने पानी में, तो ये आपका बहुत सुंदर रिजल्ट देगा। और आपका पौधा देखो ये एकदम से पत्ता फेंक के मारेगा नया। अब इसमें कल जो ड्रिंचिंग होगा 8वें दिन, क्योंकि राठी जी प्रोफेसर हैं और उनके पास समय थोड़ा सा कम होता है, तो वो कह रहे थे जी मैं परसों करवा सकता हूँ। देखिए लगातार बारिश में भी पौधा लगातार ग्रोथ कर रहा है। तो इसमें केला गुरु का ड्रिंचिंग होगा और आपका इसका ड्रिंचिंग होगा केला गुरु के साथ में 13-40-13। जिन लोगों के पास 13-40-13 नहीं मिल रहा है वो लोग 19-19 का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे 13-40-13 बताया हमने 3 किलो, तो आप 19-19 4 किलो ले सकते हैं। अब आप ये देखो, अच्छा एक और बात आपको बतानी थी, ये जो पत्ता इस तरीके से सुकड़ता है पीछे की तरफ ऐसे, तो इसके दो कारण होते हैं, एक तो पानी की अधिकता जड़ों में और या पानी की कमी। तो अभी इसके अंदर पानी की अधिकता है तो हम इसको पानी नहीं देंगे अभी कुछ समय तक। ये देखो ये साहब 7 दिन का पौधा है, इसमें 2 पत्ते आ चुके हैं, पहले ये पत्ता आया था फिर ये अलग दिखता है, जो पत्ता लैब का है ना वो पत्ता अलग दिखता है आपका आया हुआ। ये आपके खेत के 2 पत्ते हैं, इसमें हर पौधे में लगभग 2-2 पत्ते यहाँ पे आ चुके हैं, पहला पत्ता ये आया था दूसरा पत्ता ये आया है। अच्छा आप लोगों को आवाज़ में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, हालाँकि वैसे ही इतनी तेज़ आवाज़ है मेरी, भारतीय सेना का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतनी आवाज़ मजबूत करके भेजा है कि माइक की ज़रूरत पड़ती नहीं है, अगर लंबा ना जाऊं दूर ना जाऊं कैमरे से तो माइक मैं घर भूल गया, उसके लिए क्षमा चाहता हूं आज के लिए, अगली बार से फिर माइक लगा लूँगा। अब आप कोई सा पौधा भी आप देख सकते हैं, लेकिन पानी की थोड़ी सी दिक्कत है। अब भाई अब हम लोगों ने प्रकृति का इतना बर्बाद किया है तो ईश्वर हमें जो है वो चेता रहा है ऊपर वाला कि भाई मान जाओ नहीं तो प्रलय ला दूँगा। मनाली की हालत देख रहा था आज मैं सुबह, बहुत बुरी स्थिति है। ईश्वर करे सब सुरक्षित रहें, लेकिन ईश्वर से ज़्यादा मनुष्य करे कि सब सुरक्षित रहें।
ये ईश्वर से ज़्यादा मनुष्य के हाथ में हैं। मेरी बात समझ रहे हैं आप? ये नेचर हमारे हाथ में है। कभी आप ये सोच रहे हो कि भगवान के हाथ में है, अल्लाह के हाथ में है, उसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ में तुम्हें सद्बुद्धि देना है और वो तुम्हें हर बात पे देता है। जब भी हम कभी कोई काम करते हैं, अच्छा या बुरा, उससे पहले हमारे मन में एक चेतना आती है कि यार ये काम ठीक है, ये काम सही है। वो हमें पता होता है कि कौन सा काम गलत है और कौन सा सही है। लेकिन हम जब गलत काम को जानबूझ के करते हैं, उसके बाद नेचर हमें दंड देती है, जैसे अभी मिल रहा है। इस समय में इतनी बारिश का होना किसी भी हालत में किसान के लिए या प्रकृति के लिए या हम इंसान के लिए या पशु पक्षियों के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। खैर, हम लोगों को सुधरना चाहिए, समझना चाहिए, नहीं तो एक दिन हमें नेचर डिस्ट्रॉय कर देगी। आप लोगों से अनुरोध है, आप और हम ही मिलके सब नेचर हैं, हम लोग ही मिलके देश हैं, हम लोग ही मिलके पूरी दुनिया है। हमें आपस में एक दूसरे को समझाना चाहिए कि नेचर का, प्रकृति का बर्बाद ना करें, उसको बचाएं, पेड़ों को ना काटें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, नेचर के ख़िलाफ़ कोई भी काम ना करें, कूड़ा कचरा ना फैलाएं, सात्विक विचार रखें, लोगों की मदद करें, जीवों पर दया करें, खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। ये है आपका मैच्योरिटी सिंबल, ये लाल वाला जो निशान है ना, ये मैच्योरिटी सिंबल है। तो ये दो पत्ते, इसने तीन पत्ते यहाँ पे, ये पत्ता तो पहला आया था लैब का, ये दो पत्ते इसने यहाँ पे दिए हैं, बहुत सुंदर। ये राठी जी की प्रार्थना और मेहनत का फल है। ये बहुत, मतलब मेरे हिसाब से एकदम परफेक्ट चल रहा है, और देखते हैं आगे, इसमें मेहनत ज़रूर रंग लाएगी राठी जी की। आप लोग भी अपने खेत की वीडियो लगातार हमें भेजिए। हमारा नंबर है 70 17 41 46 71, 7017414671। हमारे कोई चार्जेस नहीं हैं, हम एकदम फ्री सेवा हैं। आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, कभी भी मैसेज कर सकते हैं, कभी भी हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। आपको जो सेवाएं दी जाती हैं वो निःशुल्क है, साथ में जो विजिट करते हैं उसमें भी हम आप लोगों से कोई पैसा चार्ज नहीं करते हैं, वो सब अपनी खुद की जेब से लगाते हैं, और यह सब आप लोगों का ही आशीर्वाद है। सबसे बड़ी बात है कि किसानों का जो मुझे साथ और प्यार मिला है, देखिए भारतीय सेना ने मुझे दिया हिम्मत, हौसला, सोचने की शक्ति और कर्तव्य निष्ठा कि मैं जो भी काम करूं एकदम मजबूती के साथ, कर्तव्य निष्ठा के साथ करूं, वो मुझे भारतीय सेना की देन है। तो वो सेना तो भाई मेरा आधार है, मैं सेना का ही एक रूप आप लोगों के बीच में हूँ। जैसे ईश्वर, मनुष्य को ईश्वर का रूप कहा गया है, वैसे मैं सेना के एक छोटे से रूप में हूँ। राहुल जवान मतलब इंडियन आर्मी। मैं जो भी करता हूँ, भारत जो मेरी सेना की सिखलाई मुझे दी गई है, सेना ने जो मुझे सिखाया है, डिसिप्लिन, तरीका, अपनापन, मोहब्बत, काम के प्रति लगन, मेहनत, ईमानदारी, वो मुझे सेना ने सिखाई है। वो उसी के साथ मैं आप लोगों के साथ चल रहा हूँ। हालांकि थोड़ा सा दिक्कत होती है, क्योंकि आप लोगों की लाइफ स्टाइल में और हमारे लाइफ स्टाइल में बहुत अंतर है। आप लोग टाइम में ही धराधर हो जाते हो, हम टाइम में ही धराधर नहीं होते हैं। और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जो सेना ने मुझे दिया है वो मैं आप लोगों को सिखा पाऊँ, कर पाऊँ। दूसरा, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मेरे सभी किसानों का। जितने मेरे किसान भाई हैं वो बड़ा प्यार करते हैं, बहुत सम्मान देते हैं मुझे, और उस सम्मान और प्यार की बदौलत ही आज मैं आप लोगों के बीच में लगा हुआ हूँ। और दूसरा सपोर्ट है मेरी फैमिली का, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मुझे फैमिली करती है मेरी, और पूरे परिवार ने मुझे एक सम्मान दिया हुआ है, एक साथ में पूरा परिवार मुझे एक सपोर्ट करता है। तो ये कई सारी चीज़ें मिलकर आपको चलाती हैं। देखो भाई, मेरा जो उद्देश्य है वो है रसायन मुक्त कृषि से कर्ज मुक्त किसान की ओर। धीरे 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 हम लोगों ने कर्जा मुक्ति की तरफ बढ़ना है, अब बढ़ते जाना है। कब तक यार हम कर्जे में डूबे रहेंगे? तो आप जो भी फसल लगाएं, आपके पास धान, चना, मटर, गेहूं, भिंडी, मिर्ची, तोरी, लौकी, केला, पपीता, गन्ना, जो भी है, आप हमारे साथ आइए, हम आपको निःशुल्क गाइडलाइन देंगे, आपको साथ लेके चलेंगे। कुछ चीज़ें आप लोगों के लिए हम ऐसी लेके आए हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेंगी, उनके अद्भुत रिजल्ट हैं। वरना बाज़ार तो भैया हमें लूटने के लिए बैठा है, किसान का सच बताऊँ तो कोई है नहीं। सुख के सब साथी, दुख में न कोय। और मुझे बड़ी खुशी होती है, क्योंकि मैं आपको बता दूँ, सुबह से शाम तक, रात तक मेरे पास केवल और केवल 95% दुखी किसानों के फ़ोन आते हैं। राहुल भैया ये हो गया, राहुल भैया वो हो गया, राहुल भैया ये।
और मुझे बड़ी खुशी मिलती है जब मैं उनकी समस्याओं का समाधान करता हूँ। तो ईश्वर ने मुझे वो ताकत प्रदान की हुई है, वो सांसें गिफ्ट में दी हुई हैं, उधार जिनके सहारे में चल के लोगों का भला कर पा रहा हूँ, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आप लोगों की मदद कर पा रहा हूँ, और ईश्वर ने मुझे चुना इस काम के लिए, ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों ने मुझे चुना, मुझ पर भरोसा किया, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों से वादा करता हूँ, जब तक जीऊँगा इसी तरह जीऊँगा। अपना प्यार और साथ बनाए रखिएगा, इस खेत की अपडेट आपको हमेशा मिलती रहेंगी। और राठी जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने इस गन्ने के क्षेत्र में कुछ नया करने की कोशिश की। गन्ना भी बहुत अच्छी फसल है, और साथ में कुछ ना कुछ हमें ट्राई करते रहना चाहिए। केला भी बहुत अच्छी फसल है, अमरूद भी बहुत अच्छी फसल, कोई चीज़ ख़राब नहीं है। डिपेंड करता है हमारे मन में करने की इच्छा कितनी है। तो इच्छा बनाए रखिए और हमारे साथ खड़े रहिए, और मैं आपके साथ खड़ा हूँ, बशर्ते आप भाग जाएँ तो आपको पकड़ के ले आऊँगा। लेकिन आपको कहीं भी खेती में कोई समस्या आती है, कभी मन उदास हो रहा है, कभी कुछ नहीं समझ में आ रहा है, घर में कोई पारिवारिक समस्या है, कोई कलह है, कोई दिक्कत है, कोई प्रश्न का जवाब नहीं मिल रहा हो, तब भी आप अपने भाई को कॉल कर सकते हैं, आपका भाई हमेशा आपके लिए तैयार है। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, सुखी रहे मेरा हिंदुस्तान।